नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। पिछले कुछ वर्षों में नशे का चलन युवाओं में बहुत ज़्यादा हो रहा है। एक्सपेरिमेंट करना और रिस्क लेना उनकी आदत बन गई है, और इसी विषय पे आज हमारे साथ में बात करने आई हैं स्टूडियो में डॉक्टर हर्षिंदर कौर। सबसे अहम बात तो ये है कि वो नशा करते हैं, और नशा उनको कहीं दूर से नहीं लाना पड़ता है, उनके घर में या आसपास कहीं से भी उनको मिल जाता है। डॉक्टर साहब, आपका सबसे पहले बहुत स्वागत इस स्टूडियो में। जी नमस्ते, और आपकी जरिया जितने भी मेरे को देख सकते हैं, बच्चे बुजुर्ग बड़े सभी को मेरी नमस्ते। डॉक्टर साहब, एक जॉन हॉपकिंसन स्टडी आई है, तो उस स्टडी के अनुसार जो युवा नशा करते हैं वो क्या है स्टडी में उसमें? जी, जॉन हॉपकिंस एक्चुअली जो मेडिकल सेंटर है उसमें कई तरह के उन्होंने, उनका काम ही है रिसर्च करना साथ ही, तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें वो सामने लेके आ जाते हैं जिससे हमें यानी एक तरीके से एक तो पता चलता है जो मौजूदा हालात क्या हैं, और दूसरी उनके ज़रिए से कई बार हमें भी समझ आ जाती है कि क्या करना है, यानी बतौर एक माँ होने के या बाप होने के क्या चीज़ों को हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है जिससे हम उन बच्चों को, अपने ही बच्चों को उन बीमारियों से या कुछ किस्म के नशे जो वो कर रहे हैं उनसे बचाने का क्या ढंग हमें अपनाने चाहिए, उनके बारे में भी हम पता लगा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, टीनएजर आजकल बहुत ज़्यादा नशा कर रहे हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी, आजकल की जो नई किस्में, आम तौर पे होता है कि माँ बाप को पता ही नहीं चलता, उनको लगता है कि बच्चा घर में ही है, कहीं गया ही नहीं, तो इसलिए हमारा बच्चा नशा नहीं कर रहा। पर बहुत सी आम ही चीज़ें जो आप घर में यूज़ करते हो, या यानी इस तरह की चीज़ें, जैसे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ कि आपका बच्चा अगर कॉफ़ी ले रहा है तो आपको लगेगा ये नशा नहीं है, पर आप हैरान होंगे कि रात भर जागने के लिए जैसे उन्होंने कॉफ़ी ली तो उसमें एडिशन क्या करने लग गए, जो कि इंटरनेशनल मार्केट में भी खसखस डालने लग गए कि उससे हमें ज़्यादा देर तक हमसे मतलब जागा जाता है, नींद नहीं आती, वो हमने डालना है। और इसी तरह अरा रूट वो डालना शुरू हो चुके हैं, जो हॉस्टल्स में छोटी क्लासों के बच्चे भी इस वक्त यूज़ कर रहे हैं कि रात भर हमने जागना है तो हमें थकावट महसूस नहीं होती। तो ये पता ही नहीं चलता कि इससे जो जिस किस्म के नशे की उनको आदत पड़ रही है वो धीरे धीरे उनको आगे बड़े किस्म के नशे की तरफ धकेल सकती है। सो यही चीज़ एनर्जी ड्रिंक्स के ज़रिए, जो आम ही माँ बाप कह देते हैं हमारे पास आके पेरेंट्स के, हमारा बच्चा तो सिर्फ एनर्जी ड्रिंक लेता है, किसी किस्म का नशा नहीं करता, तो बड़ी गिनती इस वक्त बच्चे जो स्कूल्स में हैं, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ तो और भी बहुत अलग अलग किस्म के कर रहे हैं, पर स्कूल के बच्चों के ऊपर जो ख़ास तौर पे ये स्टडी आई कि वो जो एनर्जी ड्रिंक्स लेके इस वक्त अपने आप को जो कहते हैं कि हमने किसी किस्म का नशा नहीं लिया, पर उसके अंदर की जो कैफीन है वो इतनी ज़्यादा मात्रा में है, और कई जगह पे एनर्जी ड्रिंक्स में वो शराब मिला के और फिर उनको वापस उसी कैन में डाल के वो ले रहे हैं। सो ये शुरुआत है नशे की, जो आगे जाके सच में काफ़ी भयानक रूप इख्तियार कर सकती है। यानी कि माँ बाप को पता नहीं है कि बच्चे किस तरीके से ड्रग्स ले रहे हैं, और ये ड्रग्स उनको उनके आसपास ही मिल रही है। डॉक्टर साहब, एक दालचीनी चैलेंज या सिनोमिन चैलेंज आया, वो क्या चीज़ है? जी, वो और भी एक अलग चीज़ जो शुरू हो चुकी है इंटरनेट पे। आम ये स्टडी हुई वो इसी जॉन हॉपकिंस मेडिकल सेंटर ने बताया कि जिन पेरेंट्स के घरों में, जिनके पेरेंट्स कह रहे हैं कि हमारे बच्चे ने कभी भी किसी किस्म का नशा नहीं लिया, हमारे साथ रह रहा है, समा साथ में बैठा है, और कुछ केसेस आए जो हॉस्पिटल्स में एडमिट हुए बच्चे, तो ये पता नहीं लग रहा था कि ये बेहोश क्यों हुए हैं, लगा कि शायद कोई इंजरी हो गई या किसी दवाई का साइड इफ़ेक्ट हो गया या शायद इनको दौरा पड़ा है, वो सोच के ट्रीट कर रहे थे। और जब पीछे पता चला और किसी ने बताया कि इंटरनेट पे ये चैलेंजेस चल रहे हैं उन पे देखिए, तो ध्यान गया कि लोग दालचीनी को 2 चम्मच एक ही समय लेने को, ड्राई पाउडर को, ये सिनेमन चैलेंज के अंडर लेना शुरू हो गए हैं, जिसमें कोई एक अमेरिका बैठा है, कोई ऑस्ट्रेलिया बैठा है, कोई इंडिया में बैठा है, यानी अलग अलग जगह पे,
ऑनलाइन वो शुरू हो जाते हैं कि हम सभी अब शुरू करने लगे हैं, तो ये दोनों चम्मच ड्राई पाउडर हमने अंदर लेके जाना है। और जो आप जाएंगे बाज़ार में, पता चलेगा कि कैसे दालचीनी की सेल बढ़ रही है, और वो क्या कारण है, वो यही कि वो एकदम ले लेते हैं, उससे उनको कुछ देर के लिए हेलुसिनेशन शुरू हो जाती हैं, उनको मज़ा सा आ जाता है, जैसे स्ट्रेस रिलीव हो गया। तो उसके साथ पर होता क्या है कि वो एकदम ड्राई पाउडर लिया तो कई बार वो गले में जैसे चिपक जाए, जिसने पहली बार लेना वो इतना ड्राई पाउडर एकदम चिपक जाता है, तो उससे डेथ तक रिपोर्ट हुई है, अनकॉन्शियसनेस है, ब्रेन का कुछ हिस्सा काम करना बंद हो सकता है, अल्सर्स बन जाते हैं काफ़ी नाक में, गले में, और कई बार स्किन भी वहाँ पे जो जल जाती है काफ़ी, यानी उससे ये नुकसान देखने को मिला है। पर इसके साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बता दूँ, हैंड सैनिटाइजर्स आम हर घर में, जी बिल्कुल, तो उनकी सेल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। आप कमाल देखिए कि बच्चों ने, मैं स्कूल के बच्चों की बात कर रही हूँ, उन्होंने पढ़ा कि इसमें 60% अल्कोहल है जी। तो उन्होंने क्या किया कि इसको हाथ क्लीन करने के चक्कर में वो डालते हैं और वो चाट लेते हैं। और इस तरह की चीज़ें हमने बहुत से बच्चों से जब पूछते हैं तो वो बता देते हैं कि इससे हमें हमारा गला ठीक रहता है इसलिए ले रहे हैं। यानी गला ठीक नहीं, वो आपकी सारी नसें खोल देता है, आपको थोड़ी देर के लिए जो नशा टेम्प्रेरी देते हैं, तो वो इस तरह से भी आम पेरेंट्स, बल्कि मैं बहुत सी जगह देखा है माएँ अपने बच्चों को डाल के देती हैं, स्कूल में जाना हाथ नहीं धोना, इससे हैंड सैनिटाइज़र से क्लीन कर लेना। और वहीं बच्चों को बताया जाता है, अपने पीयर प्रेशर के अंडर या साथ वाले बच्चे बताते हैं कि इसको हाथ में ले, चाट ले, फिर हाथ क्लीन करना। सो ये चीज़ों से सख्त परहेज़ हमें करना चाहिए। बच्चों को वापस वही कहिए, साबुन से हाथ धोएं। ये हैंड सैनिटाइज़र से हमें वार्निंग मिली है जॉन हॉपकिंस मेडिकल स्कूल से, ये नहीं किया करें। डॉक्टर साहब, वनीला स्काई क्या है? जी, वनीला स्काई एक किस्म का, दरअसल आप देखिए बहुत से साबुन ऑनलाइन अवेलेबल है, बिल्कुल इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अब क्रीम बेस्ड सोप्स जो आने लगे हैं उनमें ये डाल दिया जाता है, जिससे उसको नहाने के समय बच्चा अगर थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा रहा है तो उसको सूंघ के उसमें से वो नशा लेना शुरू हो गए हैं। नई तरह का ऑनलाइन सोप परचेज़ किया है, और इसी के साथ किस तरीके से वो बच्चे नशे को उस ज़रिए जो लेना शुरू हो गए हैं कि हमने तो जी बच्चा नहाने गया है, साबुन जो उसकी पसंद का है, क्रीम बेस्ड सोप है, कुछ भी नहीं है, तो क्या हुआ, पर वो किस तरीके उस जो डेमी मूर थी हेरोइन, उसने भी एक्सेस यूज़ इसी का किया था, जिसके कारण वो हॉस्पिटल पहुंची, तभी पता चला कि ये भी एक नया ढंग है जो ऑनलाइन ड्रग्स शुरू कर दी गई हैं, जिससे ये यानी इस तरीके से। सिर्फ यही नहीं, आपके ध्यान रखिए, आपके बच्चे बहुत सारे ऑनलाइन इंटरनेट पे काफ़ी चीज़ें परचेज करते हैं, ऑनलाइन ड्रग्स का एक नया ढंग बना लिया गया है, उसमें ऑनलाइन उन्होंने कुछ म्यूज़िक इस वक्त बना दिया, यानी वो धुनियाँ नई बना दी गई हैं ऑनलाइन, जिनके ज़रिए उनके ब्रेन का वो हिस्सा स्टिमुलेट हो जाता है जो कॉन्टिन्यूस वो एक या डेढ़ मिनट के लिए सुनते हैं, तो उनको वो स्टिमुलेशन के कारण वो रिलैक्स हो जाते हैं, उनको लगता है कि हमें कुछ देर के लिए कोई टेंशन नहीं रही, खुश हैं, तो पेरेंट्स को लगता है कि वो बच्चा हमारा पढ़ रहा है, नहीं उनको लगती है, क्योंकि वो कान में लगाया हुआ, उनको लगता है मेरा बच्चा पढ़ाई कर रहा है, या ऑनलाइन उसने अगर कुछ परचेज भी कर रहा है वो परचेज जो धुनी कर रहा है, उससे नुक्स ये है कि उस समय तो लगे चाहे कुछ नहीं हुआ, पर ग्रेजुअली उसका वो हिस्सा दिमाग का उसी तरह ट्रेन हो जाता है कि मेरे को कुछ और चाहिए, अब कुछ और चाहिए, यानी वो फर्स्ट लाइन स्टिमुलेशन मेथड था जिसके आगे वो आगे हार्ड ड्रग्स लेने के लिए मजबूर हो जाता है। जी डॉक्टर साहब, जब माँ बाप को पता चलता है कि हमारा बच्चा इस तरीके के नशे कर रहा है, तब उन्हें क्या करना चाहिए? जी, मैं उससे पहले दो और चीज़ें ज़रूर बता देना चाहती हूँ कि एक तो अगर आपका एसी लीक हो रहा है जी,
तो ध्यान रखिए उसमें से जो फ्रियॉन गैस है, बहुत से बच्चे वो पेचकस से नीचे खोल देते हैं जी, उसमें से फ्रियॉन गैस वो सूंघ लेते हैं और उसके ज़रिए भी ये नशा करने लग गए हैं। और आम तौर पे घरों पे आजकल फैशन है कि आप ड्राइड फ्लावर्स रखते हो खुशबू के लिए, जो उनमें डाला जाता है वो सुगंधी जो उसको यानी महकाने के लिए घर, उसमें भी इस वक्त जो उसकी इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन के ज़रिए जो बच्चे इस वक्त उसको खुशबू को यूज़ कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं कुछ और आगे बात बताऊं, मैं एक बात ज़रूर अपने सुनने वाले सभी को उनमें से शेयर करना चाहती हूं, क्योंकि बहुत से शायद पेरेंट्स जिनको इनके बारे में पता नहीं, उनको लगे कि मैं शायद उनके बच्चे को तरीके बता रही हूं कि इस तरीके करना चाहिए, पर मैं इसलिए मैंने बताया क्योंकि जॉन हॉपकिंस स्कूल जो मेडिकल स्कूल है, उन्होंने वार्निंग इशू की है कि इंडिया के बहुत बड़ी गिनती बच्चे ये ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं और उनमें से 1% जो उनके पेरेंट्स हैं उनको भी पता नहीं है कि वो इस किस्म के नशे कर रहे हैं। मेरा मकसद है कि उन सभी पेरेंट्स को इसके बारे में वार्निंग जो इशू हुई है बता दूं कि आप ध्यान रख सकते हैं कहीं आपका बच्चा इन चीज़ों के बारे में कहीं एक्सेसिव यूज़ तो नहीं कर रहा। सो ये पेरेंट्स के लिए एक तरीके से वार्निंग है कि आप अपने बच्चों को इनसे बचा सकते हैं। बिल्कुल, अगर जब माँ बाप को पता चल जाता है कि हमारा बच्चा ड्रग्स ले रहा है या इस तरीके के घरेलू सामान को यूज़ कर रहा है वो ड्रग्स लेने के लिए, तब माँ बाप को क्या करना चाहिए? जी एक्चुअली इसके लिए सबसे पहली बात होती है कि घर की तरफ से बच्चे को क्या ट्रेनिंग दी गई जी। अगर आपके बच्चे के लिए आपके पास टाइम नहीं है तो उसने बाहर जाना ही जाना है, उसने अपने फ्रेंड से बहुत कुछ सीखना है, उसने वहीं जाना है जहाँ से उसको प्यार मिल रहा हो, और अगर पेरेंट्स उसको पूरा वक्त दे रहे होंगे तो बच्चा इस तरफ जाता नहीं। और कुछ ऐसे इस तरीके से नए ढंग जो इस वक्त लेटेस्ट, मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, टैम्पून्स जो यूज़ हो रहे हैं, टैम्पून्स उनके ज़रिए बहुत बड़ी मात्रा में इस वक्त फिर वही मैं बता रही हूँ कि नशे की यूसेज हो रही है जी। ये पता है इस तरह चला, जब काफ़ी केमिस्ट से पता चला कि टैम्पून्स ज़्यादातर मेल स्टूडेंट्स खरीद के ले जा रहे हैं। अब ये चीज़ पहले तो ये सोचा गया कि अपने बहन के लिए लेके जा रहे होंगे या घर के लिए या किसी फ्रेंड के लिए ऐसे लेके जा रहे हैं जी। पर जब किसी एक बच्चे ने कहा कि वो अपने यूसेज के लिए लेके जा रहा है, तब ये चीज़ सामने आई जी, जहाँ से पता चला कि टैम्पून्स को जो फीमेल बच्चे तो उसको 30 या 60 ml अल्कोहल में डुबो के वो यूज़ कर लेती हैं, जिससे माहवारी के दौरान जब वो यूज़ करती हैं, वो स्टार्ट इस तरह हुआ था कि इससे पेन कम हो जाएगी जी। पर क्योंकि वो डायरेक्ट ब्लड के साथ कनेक्ट हो जाता है, वहाँ डायरेक्ट जाता है, तो उससे नशा भी हो जाता है, और पेरेंट्स को ये कह के कि मैंने दर्द की दवा ली है, वो बच्ची 1 घंटे तक भी बेहोशी के आलम में रह सकती है जी। जो मेल टैम्पून्स मैंने बताया जी, वो उन्होंने जो ढूंढा तरीका वो था कि एनस के ज़रिए वो अंदर डाल लेते हैं, और जिसको किसी भी तरीके डिटेक्ट नहीं होता कि इन्होंने कहीं से भी कोई चीज़ डाली या नशा लिया, तो वो अनडिटेक्टेड जो अंदर चला जाता है उस तरीके से नशा, ये 2-3 बार इंफेक्शन हुई मिली, जो हॉस्पिटल लाना पड़ा तो पता चला कि ये तरीका यूज़ कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स को पता ही नहीं था, और बच्चा प्लीड कर रहा था कि प्लीज़ मेरे पेरेंट्स को नहीं बताना, हमारे घर में तो बहुत धार्मिक हैं वो, उनको पता ही नहीं, उनको ना पता चले। यानी मकसद यही इस प्रोग्राम का था कि जैसे आपने कहा, एक तो हम वक्त नहीं दे रहे, सिर्फ सोचते हैं बच्चों को अंदर बंद कर लिया, बाहर नहीं निकले, तो इसका मतलब है वो सुरक्षित हैं, वो नहीं हैं। ऑनलाइन भी ले सकते हैं, घर की चीज़ें भी ले सकते हैं, पर ज़रूरत है हमें उनको किसी कंस्ट्रक्टिव वर्क में डालने की, स्पोर्ट्स की तरफ चाहे उनको भेजा जाए, चाहे उनको किसी भी तरह की, यानी अपने मुल्क की तरफ, उनकी मुल्क की तरक्की की तरफ उनको स्टिमुलेट किया जाए कि आपने चाहे फ़ौज की तरफ जाना है, या कोई एम उनको लाइफ को दे दिया जाए कि आपने ये अचीव करना है,
किसी और की एग्जांपल्स देके कि अगर आपके पास इतनी समर्थन नहीं है आपके पास कि आप मॉनेटरी आपके स्ट्रांग हो, तब भी आप बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप मेहनत से वहाँ तक पहुँच सकते हैं, पर इसकी शिक्षा देने की ज़रूरत है और वो हमें घर से पहल करनी पड़ेगी। पेरेंट्स को पहले आप मिसाल बनना पड़ेगा कि हम ये कर रहे हैं, तो इसी तरह आपने भी करना है। जैसा कि डॉक्टर हरशिंदर कौर ने हमें बताया कि कितने बड़े पैमाने पर बच्चे घर से ही नशा कर रहे हैं, तो माँ बाप सचेत हो जाएं, अपने बच्चों पर ध्यान दें। मैम, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।